हेलो बच्चों, तो आज सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 3 और आज हम पढ़ेंगे वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। ऐसे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालेंगे जिसमें सॉल्यूट नॉन वोलाटाइल हो, जो इवेपोरेट नहीं करेगा। देखो सॉल्यूशन के लेक्चर नंबर 2 में उसमें भी हमने वेपर प्रेशर निकाला था, पर तब सॉल्यूट भी वोलाटाइल था, सॉल्वेंट भी वोलाटाइल था, मतलब दोनों इवेपोरेट कर रहे थे। यहां पे सॉल्यूट नॉन वोलाटाइल होगा, सिर्फ सॉल्वेंट इवेपोरेट करेगा। ठीक है, तो क्या बात है, ये देखेंगे इस लेक्चर में। सो अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स, आप सब कॉपी और पेन लेके तैयार हो जाएं। माय नेम इज अलक पांडे एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल सा चैनल फिजिक्स वाला। तो मैं चाहूंगा कि आप इसके नोट्स खुद से बनाएं और होपफुली अगले 4-5-6 दिन के अंदर नोट्स हमारी वेबसाइट पे आ जाएंगे पीडीएफ फॉर्मेट में। तो चलिए हेडिंग लगाते हैं। क्या हेडिंग लगाएंगे? वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन containing what? Non-volatile solute. इसमें जो solute है वो non-volatile है। देखो बच्चों, जो solution होता है उसके दो component होते हैं, एक को हम बोलते हैं solute और एक को बोलते हैं solvent। देखो जो कम होता है उसको solute बोलते हैं, जो ज्यादा होता है उसको solvent बोलते हैं। यहां पे सॉल्यूट इन्होंने कहा है नॉन वोलाटाइल है, मतलब ये इवेपोरेट नहीं करेगा। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि नॉन वोलाटाइल कौन होते हैं, नॉन वोलाटाइल सॉलिड्स होते हैं, है ना। हम सॉलिड्स को नॉन वोलाटाइल मान चुके हैं, मतलब इस केस में आपको जो सॉल्यूट मिलेंगे वो सॉलिड स्टेट में मिलेंगे। जैसे क्या क्या, जैसे यूरिया बहुत मिलेगा आपको, NH2CONH2, मोलर मास लिख लें इसका, मोलर मास की बहुत जरूरत पड़ेगी इस लेक्चर में, मोलर मास 60, आप कैलकुलेट भी कर सकते हो। जैसे ग्लूकोज, ग्लूकोज C6H12O6, मोलर मास 180। जैसे सुक्रोज, सुक्रोज C12H22O11, मोलर मास 342 ग्राम पर मोल। तो ये सॉल्यूट आपको मिलेंगे जो खुद इवेपोरेट नहीं होंगे। देखो टॉपिक क्या है, टॉपिक है वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन। तो इनकी वजह से कोई वेपर नहीं बनने वाले, ये नॉन वोलाटाइल है, दे डू नॉट हैव टेंडेंसी टू इवेपोरेट। तो जब इनकी वजह से वेपर ही नहीं बनेगा तो इनकी वजह से कोई वेपर का प्रेशर भी नहीं बनेगा, मतलब इस कॉम्पोनेंट की वजह से वेपर प्रेशर जीरो क्रिएट होगा। यानी ऐसे सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो कहां से आ रहा, सॉल्वेंट से आ रहा। तो हमारा सॉल्वेंट कैसा होगा, सॉल्वेंट है वोलाटाइल, है ना। वोलाटाइल कोई लिक्विड होगा, लिक्विड वोलाटाइल होते हैं, सारे लिक्विड नहीं, कौन कौन से, एग्जांपल वाटर, मिथेनॉल, इथेनॉल है, बेंजीन C6H6, टॉलीन C6H5CH3। टॉलीन समझते हैं, बेंजीन रिंग के ऊपर CH3, टॉलीन। ठीक है, देखो मैं ये जरूर चाहूंगा कि आप पिछला लेक्चर देख के आओ, तो ये सब चीजें और रिलेट हो पाएगी। ठीक है, तो इसकी वजह से वेपर प्रेशर बनेगा, यही वोलाटाइल है, ये इवेपोरेट करेंगे और इनकी वजह से वेपर प्रेशर क्रिएट होगा। सो दे हैव देयर सम वेपर प्रेशर। ठीक है, तो ये कहानी होगी, इसको नोट करें। अब हमें ये चीज सोचनी है, हमें ये चीज सोचनी है कि इस सॉल्यूट को डालने पे इनका वेपर प्रेशर सेम रहेगा या ऐसा तो नहीं कि कुछ डिक्रीज कर जाएगा या इंक्रीज कर जाएगा। अब इस बारे में भी सोचना है, इस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो किसकी वजह से है, सॉल्वेंट की वजह से। पर क्या ये सॉल्यूट डालने से वो वेपर प्रेशर कम भी तो नहीं हो जाएगा, इसके बारे में बात करनी है आज। देखो सॉल्यूट को हम बी से रिप्रेजेंट करेंगे, सॉल्वेंट को हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इस पूरे चैप्टर में, इसके पिछले लेक्चर में भी ये बात बताई थी, सॉल्वेंट ए सॉल्यूट बी, बार बार कौन लिखेगा सॉल्वेंट सॉल्यूट, कॉपी कर ले, मिटारा जाए
अच्छा, तो ऐसे सोल्यूट आ गए हैं जो नॉन वोलेटाइल हैं, इवेपोरेट होना ही नहीं चाहते, वेपर बनाना ही नहीं चाहते, तो उनकी वजह से कोई वेपर प्रेशर नहीं, पर सॉल्वेंट वोलेटाइल है। अब जैसे मान लो यहां पे हमारे पास वोलेटाइल सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट को हमने ए बोला है, तो इसमें मान लो ए के मॉलिक्यूल्स हैं, ऐसे ए ए ए ए, और इसको मैं ऊपर से क्लोज्ड कर दूं। अब क्या होगा, ए वोलेटाइल है तो वेपराइज करेगा, वेपराइज करके ऊपर आया, ये क्या बन गया, ए के वेपर्स बन गए। अब ये ए के वेपर्स यहां पे हैं तो ये कुछ ना कुछ प्रेशर एग्जर्ट करेंगे, भाई गैस का कुछ ना कुछ प्रेशर होता है, सो इन वेपर्स का जो प्रेशर है उसको हमने बोला पी नॉट ऑफ ए। पी नॉट क्यों बोलते हैं बताया था मैंने, नॉट मतलब यहां कुछ और नहीं प्रेजेंट है, सिर्फ ए प्रेजेंट है, पी नॉट ऑफ ए यानी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, यहां और कुछ नहीं है सिर्फ ए है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, ठीक है। वोलेटाइल सॉल्वेंट था, बढ़िया इवेपोरेट किया, इसका वेपर प्रेशर पी नॉट ए, मस्त एकदम बढ़िया। मान लो इसमें हमने बी को मिलाना स्टार्ट किया, इसमें हमने बी के मॉलिक्यूल्स मिलाए जो कि कैसा है, नॉन वोलेटाइल। अब इसमें हम सॉल्यूट डाल रहे हैं, रिजल्टिंग क्या हुआ भैया, रिजल्टिंग कुछ ऐसी कहानी हुई, रिजल्ट में क्या हुआ कि ए के मॉलिक्यूल्स तो हैं, बीच बीच में कहीं बी के मॉलिक्यूल्स भी आ रहे हैं, बी का मॉलिक्यूल आ गया ए, बी का मॉलिक्यूल आ गया ए। अच्छा अच्छा, तो ये क्या हो गया, ये बन गया मेरा सॉल्यूशन, ठीक है, ए प्लस बी, ये मेरा कैसा है, नॉन वोलेटाइल। पहले वेपर प्रेशर था पी नॉट ए, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, बढ़िया वेपर्स बने थे, बढ़िया प्रेशर बन रहा था, देखो जितने ज्यादा वेपर बनेंगे उतना ज्यादा प्रेशर होगा। अब क्या हुआ, अब कुछ कुछ सरफेस बी ने ऑक्यूपाई कर लिया, यानी वहां वहां पे ए बी के नीचे रह गया, और भैया एवेपोरेशन सरफेस फिनोमेना है, मतलब यहां वाला ए इवेपोरेट नहीं हो पाया, यहां वाला नहीं, यहां वाला नहीं, यानी कुछ वेपर तो कम बनेगा, ये तो श्योर है, ये तो श्योर है, मतलब सॉल्यूशन में जो ए के वेपर्स का प्रेशर होगा वो इतना नहीं हो पाएगा, ए के इतने वेपर्स ऊपर नहीं आ पाएंगे, कुछ कुछ जगह बी ने ढक ली है, और बी कैसा है, नॉन वोलेटाइल। ले साहब हम तो जाएंगे नहीं ऊपर, आपको भी जाने नहीं देंगे, है ना, तो यहां हम बोलेंगे ए का वेपर प्रेशर पी ए, और बी का, बी का जीरो, बी का तो टेंशन मत लो ना, बी की वजह से कोई वेपर प्रेशर, नॉन वोलेटाइल। ए का भी कम कर दिया, तो मैं यही कह रहा था कि एक तो खुद तो कुछ कंट्रीब्यूशन कर नहीं रहे, ऊपर से ए को भी ढक दिया, देखो ये ना होते तो यहां ए ऊपर होता, ए ऊपर होता तो इवेपोरेट करता कि नहीं। सो हमने देखा कि इस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है दैट इज पी ए, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इज पी ए, क्योंकि बी से तो कुछ बनना नहीं, तो इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो बना पी ए दैट इज लेस देन पी नॉट ए, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, नोट करें, यानी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने पर वेपर प्रेशर डिक्रीज करता है ना, वेपर प्रेशर डिक्रीज करता है ऑन एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, वेपर प्रेशर वीपी, वेपर प्रेशर इज लोअर्ड, ठीक है, मैं लोअर्ड वर्ड यूज कर रहा हूं, वेपर प्रेशर इज लोअर्ड, डिक्रीज की जगह लोअर्ड, वेपर प्रेशर इज लोअर्ड। क्लियर यहां तक, अब बात आएगी कैलकुलेशन की कि कितना लोअर हुआ, यहां के मुकाबले कितना कम हुआ, कुछ कैलकुलेशन भी करके दिखाएं, है ना, और उसी में आएगा राउल्ट्स लॉ, पिछले लेक्चर में भी राउल्ट्स लॉ पढ़ा था, यहां पर भी, ठीक है। तो वेपर प्रेशर की कहानी है कि भैया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने पे वेपर प्रेशर कम हो गया, अब कितना कम हुआ, क्या वैल्यू है, आइए देखते हैं। यहां तक समझ में आ गया, बी नॉन वोलेटाइल है, जगह ऑक्यूपाई कर लिया, ए को ऊपर जाने नहीं दिया, तो ए का वेपर प्रेशर भी कम हो गया, अगर प्योर ए होता तो पी नॉट ए होता, अब प्योर नहीं है तो पी ए, चलिए मिटा रहे हैं इसको, मिटारा जाए, वेपर प्रेशर इज लोअर्ड। अच्छा, वेपर प्रेशर इज लोअर्ड, अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए, जरा सॉल्यूशन की बात करते हैं।
Solution A plus B. अब एक बात बताओ, सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर उतना ज्यादा होगा, ए के मॉलिक्यूल्स जितने ज्यादा होंगे, ए का मोल्स जितना ज्यादा होगा, ए का मोल फ्रैक्शन जितना ज्यादा होगा, यानी सॉल्यूशन का प्रेशर पी ए विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। भैया ए वॉलेटाइल था, जितना ज्यादा ए के मोल का फ्रैक्शन होगा उतना ज्यादा सॉल्यूशन का प्रेशर होगा, और इसी को बच्चों हम बोलते हैं राउल्ट्स लॉ। पिछले लेक्चर में भी आपने पढ़ा था राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ क्या कहता है? दैट इन अ सॉल्यूशन द पार्शियल वेपर प्रेशर, पार्शियल क्यों बोला, क्योंकि सिर्फ ए का है, बी का नहीं है, बी का वैसे भी जीरो है, पार्शियल मतलब एक एक कॉम्पोनेंट का, इन अ सॉल्यूशन, इन अ सॉल्यूशन द पार्शियल वेपर प्रेशर ड्यू टू ईच वॉलाटाइल कॉम्पोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कॉम्पोनेंट। ये बन गया हमारा राउल्ट्स लॉ। क्या कह रहा है? इन अ सॉल्यूशन द पार्शियल वेपर प्रेशर ड्यू टू ईच वॉलाटाइल कॉम्पोनेंट, तो इसमें वॉलाटाइल कॉम्पोनेंट कौन सा है? सिर्फ ए। द पार्शियल प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ वॉलाटाइल कॉम्पोनेंट, पार्शियल मतलब सिर्फ इसका, बी का नहीं लिया, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कॉम्पोनेंट। मोल फ्रैक्शन क्या होता है आपको पता है? जीटा ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। ये है राउल्ट्स लॉ। क्लियर है? इसके बाद हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, क्या हुआ था, पी ए इज इक्वल्स टू क्या होगा, के इंटू जीटा ए। फिर हमने के की वैल्यू निकाली थी, किसके इक्वल आ गया था, पी नॉट ए के इक्वल आ गया था। पी नॉट ए क्या था? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए। तो पी ए इज इक्वल्स टू पी नॉट ए इंटू जीटा ए। ये पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि नहीं, पी ए इज इक्वल्स टू पी नॉट ए इंटू जीटा ए। ये फॉर्मूला यूज करके आपके सवाल बन जाएंगे। व्हाट इज पी ए? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। हाँ भाई, सॉल्यूशन में दो चीज की वजह से वेपर प्रेशर होना था, ए की वजह से और बी की वजह से। अब बी का तो जीरो ही हो गया, तो जो भी है वो ए की वजह से है, तो दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। व्हाट इज पी नॉट ए? इट इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट ए। व्हाट इज जीटा ए? जीटा ए इज मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। नोट करें, ये फॉर्मूला लगा के आपके सवाल हिल जाएंगे। राउल्ट्स लॉ ये रहा। राउल्ट्स लॉ यही बोलता है कि सॉल्यूशन में किसी भी कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर निकालना हो, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। जितना ज्यादा वो कंपोनेंट होगा मोल फ्रैक्शन में, उतने ज्यादा उसके वेपर्स बनेंगे, उतना ज्यादा उसका वेपर प्रेशर। फिर हमने क्या कहा, इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट के लगा लिया, के इंटू जीटा है। फिर हमने पिछले लेक्चर में देखा था के की वैल्यू पी नॉट ए के इक्वल आती है, पिछले लेक्चर में हम देख चुके हैं, तो पी ए इज इक्वल्स टू पी नॉट ए इंटू जीटा है। ये फॉर्मूला नोट कर ले। पी ए वेपर प्रेशर किसका है? ए का नहीं बोलो, सॉल्यूशन का है, सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन का ए की वजह से ही होना है। पी नॉट ए वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट ए, जब ए अकेला हो, जीटा ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ये ज्यादातर सवालों में दिया होता है, ये हमको निकालना होता है। अच्छा, इसी को लिखने का एक और तरीका है, जरा लिख लो तो फिर बताएं। नोट कर लिया, मिटा दे। ओके, देखो इसी बात को एक्सप्रेस करने का एक और तरीका है। यहां तक समझ गया राउल्ट्स लॉ तक? क्या बोलता है? देखो राउल्ट्स लॉ बहुत सिंपल बात बोलता है। इसमें देखो ए भी है और बी भी है। इस पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कौन देगा? ए। तो हमने बोला ए का वेपर प्रेशर पी ए। पी नॉट ए नहीं लिख सकते क्योंकि बी की वजह से कुछ कम हो गया। अब हमने कहा पी ए किसके प्रोपोर्शनल होगा?
ए के मोल फ्रैक्शन के, भैया जितना ज्यादा ए का मोल फ्रैक्शन उतना ज्यादा वेपर प्रेशर, उतना ज्यादा ए वेपरेट हुआ। फिर हमने बोला कि पीए का फॉर्मूला क्या बन रहा है, हमने बोला इज इक्वल्स टू के इनटू जीटा ए, फिर के की वैल्यू हमने निकाली वो इक्वल टू आई थी पी नॉट ए, पिछले लेक्चर में देख चुके हैं इज इक्वल टू जीटा ए। एक तो ये फॉर्मूला हुआ, दूसरा फॉर्मूला देखो ध्यान से, पी ए इज इक्वल्स टू पी नॉट ए और जीटा ए को क्या 1 माइनस जीटा बी लिख सकते हैं? इस सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट हैं ए और बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। क्या आपको पता है जीटा ए प्लस जीटा बी की वैल्यू 1 आती है? चेक कर लो, दोनों को जोड़ के देख लो, नीचे एलसीएम एन ए प्लस एन बी, ऊपर भी एन ए प्लस एन बी आ गया 1, यानी जीटा ए को 1 माइनस जीटा बी भी लिख सकते हैं, जीटा बी इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब देखो हम लिख सकते हैं पी ए इज इक्वल्स टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए इंटू जीटा बी, इस पूरे को इधर लाओ तो पी नॉट ए इंटू जीटा बी इज इक्वल्स टू पी नॉट ए माइनस पी ए। सुनो कुछ होने वाला है, एक फॉर्मूला आने वाला है बड़ा इंपॉर्टेंट, ये पी नॉट ए माइनस पी ए क्या है सोचो और बताओ। पी नॉट ए था ओरिजिनल वेपर प्रेशर ऑफ ए जब सिर्फ ए अकेला था, और पी ए क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ दिस सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट आ चुका है, ये वेपर प्रेशर कुछ कम है। क्या इसको हम बोल सकते हैं ये लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है, शुरुआत में मान लो वेपर प्रेशर 100 था बाद में 80 हो गया, तो ये डिफरेंस है ना कि कितना लोअर हुआ। मान लो पी नॉट ए की वैल्यू 100 है और पी ए की वैल्यू 80 है, कुछ कम होगा ना, तो ये डिफरेंस नहीं बता रहा कितनी लोअरिंग हुई, तो इसको हम बोल सकते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अभी रुको, यहां से पी नॉट ए को नीचे भेजो, जीटा बी इज इक्वल्स टू पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए, वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा फॉर्मूला ये भी कई किताब में दिया होता है, बच्चे बहुत यूज करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या है इसके बारे में समझो, ऊपर क्या चीज है, ऊपर इनिशियल प्रेशर माइनस फाइनल प्रेशर यानी लोअरिंग इन प्रेशर है, 100 में से 80 गया 20 कितना लोअर हुआ, और नीचे ओरिजिनल प्रेशर है, ऊपर लोअरिंग इन वेपर प्रेशर नीचे ओरिजिनल प्रेशर। क्या इसको हम रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कह सकते हैं? इस टर्म को हम बोलेंगे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, क्या रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, नॉट रोलिंग लोअरिंग, सॉरी रिलेटिव लोअरिंग। देखो मान लो पी नॉट ए की वैल्यू 100 थी, पी ए की वैल्यू 80 थी, नीचे भी पी नॉट है यानी 100, तो ऊपर दिखा रहे हो कि कितना कम हुआ और नीचे उसको ओरिजिनल से रिलेट कर रहे हो कि इसके रिलेशन में कितना कम हुआ फ्रैक्शन, तो इसको हम बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ऊपर दिखा रहे हो कितनी लोअरिंग हुई और नीचे ओरिजिनल से उसको कंपेयर कर दिया, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो एक ये फॉर्मूला भी बहुत यूज होता है, या तो इस फॉर्मूले से काम बना लो या तो इससे काम बना लो, दोनों का मतलब सेम है, देखो आया एक ही तरह से है दोनों। जीटा ए क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है ना, पी नॉट ए वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, पी ए वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, P नॉट A वेपर प्रेशर ऑफ प्योर A, लिख दूंगा इस साइड में कि समझ गए अब तक आप, P नॉट A वेपर प्रेशर ऑफ प्योर A, पी ए वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो ये दिखा रहा है कि कितनी लोअरिंग हुई, P नॉट A माइनस P A इतनी लोअरिंग हो गई और ओरिजिनल से कंपेयर कर दिया, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, इसको लर्न कर लो, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, या वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू पी नॉट ए इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। दो फॉर्मूले हैं, दोनों सही हैं, दोनों में कंसेप्ट है कि पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर पी ए किससे आएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए से, इज इक्वल्स टू पी नॉट ए जीटा ए। लिख लें, मिटारा जाए इसको, मिटारा जाए,
जीटा भी निकालने का तरीका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। मिटा रहे अच्छा। अब बच्चों ये जो टर्म आया ना रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इसको हम बोलते हैं कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं? कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। देखो यहां से आपको दो फॉर्मूले मिले हैं अभी तक, पी ए इज इक्वल्स टू पी नॉट ए इंटू जीटा ए, दूसरा पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल्स टू जीटा बी। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अच्छा, अब ये जो कहानी है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर वाली, इसको बच्चों हम बोलते हैं कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। और यहां से सवाल खूब आते हैं आपके बोर्ड में भी और कॉम्पिटिशन में भी। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, अब ये क्या होती है? सॉल्यूशन की ऐसी प्रॉपर्टीज जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करें, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन विच डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स यानी इसके मोल्स पे डिपेंड करे, है ना, इसके मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करे, है ना, इसके आयंस पे डिपेंड करे, इसके मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करे, किसके ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। ऐसी कोई प्रॉपर्टी हो जो सॉल्यूट पार्टिकल के बढ़ने या घटने पे बढ़ती या घटती हो, ऐसी प्रॉपर्टी को हम कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। एंड डज नॉट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। सॉल्यूट पार्टिकल का नेचर क्या है इससे कोई मतलब नहीं, ठीक है, मतलब सॉल्यूट पार्टिकल यूरिया का है या सुगर का है इससे हमें कोई मतलब नहीं, उसका नेचर क्या है इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, बट डिपेंड करती है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल बढ़ेंगे तो प्रॉपर्टी या तो बढ़ेगी या तो घटेगी, सिर्फ उसी पर डिपेंड करे। ऐसी प्रॉपर्टी को कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। चार कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी सिलेबस में है, उसमें से पहली कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी यही है। क्या पहली कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है? एग्जाम्पल देते हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, किसके इक्वल आ रही है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो ये प्रॉपर्टी देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रही है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड कर रही है कि नहीं कर रही है। और हम ऐसी प्रॉपर्टीज को क्या बोलते हैं? कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, इसको नेचर से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सॉल्यूट पार्टिकल कौन सा सॉल्यूट पार्टिकल है, नमक है, चीनी है, पानी है, मतलब क्या चीज है, इससे फर्क ना पड़े। ऐसी प्रॉपर्टी को कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। नमक मत लेना, हम अभी हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट की बात करेंगे। इलेक्ट्रोलाइट की बात तभी करेंगे जब वैंट ऑफ फैक्टर पढ़ लेंगे। ये बात ध्यान से सुनना, अभी जितने भी शुरू के लेक्चर चल रहे हैं सब में नॉन इलेक्ट्रोलाइट लेंगे। साइड में कहीं लिख लो इसको तारा बना के, बीच में डिस्कशन नहीं कर रहे इस पर हम बहुत ज्यादा, ये बाद में बताएंगे जब हम वैंट ऑफ फैक्टर बताएंगे। क्लियर है? तो एक तो आपके पास दो फॉर्मूले हो गए, जब आपके पास नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट आए तो पहली चीज तो आप ये समझ रहे हो पूरी कहानी है। नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट आने पे क्या होगा कि वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा, जल्दी जल्दी वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा। इनिशियली वेपर प्रेशर क्या था? पी नॉट ए, डिक्रीज करके पी ए, तो ये क्या हो गया? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसको ओरिजिनल से कंपेयर कर दो, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। किसके इक्वल होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट कैसा है? नॉन वॉलेटाइल, ठीक है। एक और फॉर्मूला हमें मिला है, ये क्या है? पी ए, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन is equals to P naught A into zeta A। भाई solution का vapor pressure उतना ही होगा जितने A के mole fraction होंगे। A की वजह से ही तो vapor pressure बन रहा है, B की वजह से नहीं। तो ये वाला formula भी याद रखना, ये clear है? Lowering in vapor pressure, original से compare, relative lowering in vapor pressure,
इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट. फिर हमने क्या बोला कि ये जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है, ये इतना रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, यही है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर RLVP. ये कैसी प्रॉपर्टी है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड कर रही है. मिटा रहे सवाल लिए जाए, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्लियर हो रही है. सॉल्यूशन की ऐसी प्रॉपर्टीज जो किस पे डिपेंड करे? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे. टाइप ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड ना करे. पहली प्रॉपर्टी कौन सी है? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. वेपर प्रेशर मत बोलना, कई बार पेपर में फंसाता है. वो बोलता है वेपर प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. नो, वेपर प्रेशर इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. नो, लोअरिंग वेपर प्रेशर मतलब इतनी चीज इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. नो, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ओनली, याद रखना सिर्फ यही लिखा हो तभी बोलना कि वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है. डिपेंड करती है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे. और भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़नी है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, वो आगे लेक्चर में. मिटा रहे हैं इसको. बहुत बढ़िया, अब तक तो थोड़ी थोड़ी चीजें आपके दिमाग में घुसने लगी होंगी. चलिए अब इसके हम न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं तो कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा. सवाल किए जाए इसके. चलो सवाल करते हैं. पहला सवाल, क्वेश्चन वन, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज 60 mmHg एट सम टेम्परेचर. ठीक है, किसी टेम्परेचर पे है जो नहीं दिया है. फाइंड द वेपर प्रेशर of a solution containing 30 gram urea NH2CONH2 dissolved in 72 gram water. अब मान लो ये सवाल है कि वेपर प्रेशर प्योर वाटर का किसी टेम्परेचर पे है 60 mm. फाइंड द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 30 ग्राम यूरिया. कैसा सॉल्वेंट सॉल्यूट आ गया? नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डिसॉल्वड इन 72 ग्राम वाटर. किया जाए कैसे? किया जाए कैसे? किया जाए कैसे? किया जाए, हमें दे क्या रखा है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर यानी पी नॉट ऑफ ए दे रखा है 60. सही है. पूछ क्या रहा है? फाइंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन यानी पी ए पूछ रहा है. क्या निकाल लिया जाए? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकाल ले, काम बन जाएगा. भाई फॉर्मूला क्या है हमारे पास? फॉर्मूला है पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ऑफ ए इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट. सॉल्यूट कौन है यहां पर? यूरिया है. तो इसके आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है. मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया मास अपॉन मोलर मास. मास कितना है यूरिया का? 30. मोलर मास कितना होता है? 60. NN 14 28 टू 30 टू 32 16 48 और 12 60. कितने हो गए नंबर ऑफ मोल्स यूरिया के? 1/2 यानी 0.5. ठीक है ना. और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितने हैं जो अपना सॉल्वेंट है? 72 ग्राम मास गिवन अपॉन मोलर मास. वाटर का मोलर मास 18, तो 18 चार मोल्स. मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कौन है? यूरिया. तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ऊपर यूरिया के मोल नीचे टोटल मोल्स, ऐसे निकलता है मोल फ्रैक्शन है. ऐसे तो निकलेगा मोल फ्रैक्शन ऑफ, ऊपर यूरिया के मोल नीचे टोटल मोल्स, है ना, 1/9 हो गया. और वैल्यूज रखते हैं, काम खत्म. पी नॉट ए 60 माइनस पी ए अपॉन 60 इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट. सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकाल लिया हमने 1/9. ऊपर यूरिया के मोल नीचे टोटल मोल 0.5 अपॉन 4 प्लस 0.5 4.5 कैंसिल. 5 इज 5 9 45 1/9.
यहाँ से कैंसिल करो, 3 3 9, 3 2 6 20, ये 3 इधर आया, 180 माइनस 3 PA इज इक्वल्स टू 20, इधर आके माइनस होगा, 160 इज इक्वल्स टू 3 PA, यहाँ से PA की वैल्यू हो गई 160/3, यानी 3 5 15, 10, 3 3 9, 10, 53.33 mm of Hg. This is the vapor pressure of solution. Clear है अब? आसान लगा? क्या दिया था? The vapor pressure of pure water is 60 mm. तो P naught of solvent दिया रखा था 60 at same temperature. उसी temperature पे कहानी आगे बढ़ी. Find the vapor pressure of solution containing 30 gram urea non-volatile solute in 72 gram water. तो हमको PA निकालना है. PA P naught A से कम होगा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की वजह से. हमने लिखा P naught A माइनस PA अपॉन P naught A इज इक्वल्स टू जीटा बी. P naught A PA पता है, जीटा बी क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट. तो पहले मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाला, मास अपॉन मोलर मास. मोल्स ऑफ सॉल्वेंट निकाला, मास अपॉन मोलर मास. फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, इसके मोल्स अपॉन टोटल मोल, रख दिया आंसर. ठीक है, इसको करने का एक दूसरा मेथड भी भाई, अपने पास दो फॉर्मूले थे याद करो. एक ये फॉर्मूला भी था, PA is equals to P naught A into zeta A, और एक ये है P naught A minus PA upon P naught A is equals to zeta B. तो ये तो यूज कर लिया आपने रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर वाला. जरा ऊपर वाले फॉर्मूले से देखते हैं बात बन रही है कि नहीं. इसको नोट कर ले, क्लियर है? P naught A minus PA upon P naught A. अब देखो जरा, कहीं ऊपर वाले फॉर्मूले से आसानी से तो नहीं हो जा रहा? ऐसा तो नहीं कि हमने बहुत लंबा मेथड लिया हो. चलो देखते हैं, पी ए इज इक्वल्स टू पी नॉट ए इंटू जीटा ए. पी ए हमको चाहिए, पी नॉट ए कितना है 60, जीटा ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना आया था, सॉरी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना पड़ेगा. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया, मास ऑफ यूरिया अपॉन मोलर मास 0.5. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर अपॉन मोलर मास 4. मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ए क्या होता है हमारा सॉल्वेंट, यानी ये वाटर है ना. ए भी तो समझ रहे हो ना, बी किसको बोल रहे हैं बार बार, सॉल्यूट को, ए किसको, सॉल्वेंट. तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, यानी 4 upon 4 plus 0.5. सो 4 upon 4.5. बोलो कुछ गलत किया? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ऊपर ए के मोल्स, नीचे वाटर. ए क्या होता है हमारा सॉल्वेंट, बी सॉल्यूट. यहां से ये हटा, 15 3 45 15 4 60, ये कितना हो गया 160/3. देखो सेम आंसर आया, 3 5 15 10. तो चाहे ऐसे पकड़ो कान, चाहे ऐसे पकड़ो कान, पनिशमेंट तो मिलनी है, दोनों तरफ से आंसर सेम है. बोलो ठीक है, कान ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो, क्लियर है? तो चाहे ये फॉर्मूला यूज करो, चाहे आप वो फॉर्मूला यूज करो, यू विल गेट द सेम आंसर. जीटा ए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट और जीटा बी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट. ठीक है, मिटा दे, ओके. चलिए एक और सवाल देखते हैं. चलिए अच्छा सवाल ले लेते हैं थोड़ा सा. क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट द मास ऑफ ए नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मोलर मास 40 ग्राम पर मोल रिक्वायर्ड टू डिसॉल्व, रिक्वायर्ड टू बी डिसॉल्व्ड इन 114 ग्राम ऑफ ऑक्टेन टू लोअर वेपर प्रेशर टू 80%. चलो कैलकुलेट द, अब देखो फॉर्मूला बेस सवाल देंगे, थोड़ा बहुत उसमें दिमाग लगाना है ना. वेरिएबल बदल रहे हैं, कुछ है नहीं. फॉर्मूला क्या है अपने पास, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल्स टू जीटा बी. पी नॉट ए ओरिजिनल प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, पी ए सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, पी नॉट ए ओरिजिनल, जीटा बी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट. चलो कह रहा है कैलकुलेट द मास ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जिसका मोलर मास है 40 ग्राम पर मोल रिक्वायर्ड टू बी डिसॉल्व्ड इन 114 ग्राम ऑफ ऑक्टेन. तो ये हो गया अपना सॉल्वेंट.
टू लोअर वेपर प्रेशर 280%, 280%. यार तो ऐसी चीजों में हम क्या करें, क्या करें? हम इनिशियल वेपर प्रेशर को 100 मान लें तो फाइनल वेपर प्रेशर 80 हो जाएगा. लोअर वेपर प्रेशर 280% की बाय 80%, 280% यानी इनिशियल का 80, सही है. फॉर्मूला लगाएं, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल्स टू जीटा बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट. अब यार मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए. यार ए के मोल्स तो निकल जाएंगे, ऑक्टेन का मास भी दिया है, मोलर मास हम निकाल सकते हैं, ऑक्टेन C8H18, तो मोलर मास तो निकाल सकते हो, कितना हो जाएगा इसका जरा जोड़ा जाए, C8H18 मोलर मास कितना होगा, 8 12 96 96 और 18 106 और 8 114 114 ही आ रहा है. ठीक है, तो इसका तो निकाल सकते हो ऑक्टेन का, तो ऑक्टेन के नंबर ऑफ मोल्स भी निकल आएंगे. प्रॉब्लम एनबी में है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने में, इसका मास नहीं गिवन है, तो क्या किया जाए, और पहले जीटा भी निकालते हैं. तो पी नॉट ए 100 माइनस पी ए 80 अपॉन पी नॉट ए 100, तो हो गया 20/100. तो जीटा बी की वैल्यू आ गई 1/5, बोलो सही है, 20/100 1/5, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज 1/5. अच्छा अब इसको वहां रख देते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज 1/5 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए. ए के कितने मोल से निकाला जा सकता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, मास गिवन अपॉन मोलर मास, तो इसका मोलर मास भी 114 है, मास गिवन भी 114, तो कितने मोल्स हुए, 1. तो यहां से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी निकाला जाए, पहले इसको पलट दिया जाए दोनों तरफ, 5/1 इज इक्वल टू एन बी प्लस 1 अपॉन एन बी. इसको सॉल्व करोगे तो हम लिख सकते हैं 5 इज इक्वल टू एन बी बाई एन बी 1 प्लस 1 बाई एन बी. यहां से 1 बाई एन बी इधर ही रखो, इधर ले जाओ, 5 माइनस 1 4, 1 बाई एन बी, एन बी इज इक्वल टू 1/4. बड़ी कैलकुलेशन है, ऊपर मिटा दूं क्या मैं, अच्छा भी रुक जाओ. यहां से देखो 1/nb इधर ही रखो, ये इधर लो, 5 माइनस 1 4, एन बी हो जाएगा 1/4. यहां से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी इज 1/4, बस अब खत्म, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी इज 1/4. देखो स्टेप बाय स्टेप चल रहा, मेरे को क्या चाहिए, कैलकुलेट द मास ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, बी का मास चाहिए मुझको, है ना. अभी मेरे पास क्या आए हैं, बी के मोल्स आए हैं और बी का मोलर मास मुझे पता है, तब तो काम हो जाएगा ना, मोल्स पता है, मोलर मास मास निकालना. कैसे किया मैंने, पी नॉट ए 100 माना, पी ए 80 हो गया, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए जीटा बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकाला पहले, कितना आ रहा 1/5 सॉल्यूट का, फिर मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला एन बी अपॉन एन बी प्लस एन ए, ए के मोल्स हमने निकाल लिए, मास अपॉन मोलर मास, फिर यहां से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी निकाल लिए. अब क्या बोल रहे हैं, मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, अब तो खत्म है सवाल, लास्ट में, नाउ दिस इज द एंड. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी इज इक्वल्स टू मास गिवन अपॉन मोलर मास, मोलर मास कितना है 40, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी कितना है 1/4 इज इक्वल्स टू मास गिवन बाय 40, तो ये 10, यहां से मास गिवन कितना आया 10, बोलो सही, नंबर ऑफ मोल्स 1/4 इज इक्वल्स टू मास गिवन बाय 40, यहां से मास 40/4 यानी 10 ग्राम. फाइनल आंसर इज 10 ग्राम. बोलो भाई, स्टेप बाय स्टेप अप्रोच समझ में आई, कैलकुलेट द मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, सीधा मास पूछ रहा था इस बार, मास पूछ रहा था, तो हमने कहा कि भैया पी नॉट ए को 100 मान लो, पी ए 80 हो गया क्योंकि वेपर प्रेशर डिक्रीज 280%. फिर हमने पी नॉट ए फॉर्मूला लगाया, जीटा बी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकाला इस फॉर्मूले से, फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट लिखा, इससे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकले, फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट रखा, मास नहीं पता था, मोलर मास पता था, रख दिया आंसर. बोलो क्लियर,
क्लियर। इसको एक स्टेप में भी कर सकता था। अब देखो यहीं पे मैं फॉर्मूला लिखता था, थोड़ा तुमको कैसे टफ लगता, पहले छाप लो फिर बताएं। छाप लिया, एक दो तीन, टिप लिया। अरे सुनो, इतना टफ नहीं है। देखो यहीं पे इसको हम कैसे लिखते, ऊपर था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, जीटा बी का फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ मास गिवन अपॉन मोलर मास। यहां से x की वैल्यू निकालो, x इज दी मास। बोलो क्लियर। अब मैं ऐसा नहीं लिखना चाहता इतना कॉम्प्लेक्स इक्वेशन, तो पहले मैंने मोल फ्रैक्शन निकाला, फिर मोल निकाला, फिर मास निकाला। आपका मर्जी, आप यही सॉल्व करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सही है, बोलो सही है। जीटा बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, ऊपर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए। बोलो सही, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी मास अपॉन मोलर मास, मास नहीं पता x, मोलर मास 40। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी मास अपॉन मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए मास अपॉन मोलर मास, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, दैट इज द मास। लो खत्म, लो यहीं से खत्म हो गया, तलमा मत करो। बोलो क्लियर है, क्लियर है, मिटा दे। बहुत बढ़िया। तो मैंने स्टेप बाय स्टेप किया, पहले मोल फ्रैक्शन निकाला, फिर मोल निकाला, फिर मास निकाला, लाइक झिंगा लाला। आप चाहो तो सीधा एक्स निकाल लो। अच्छा, एक और सवाल लेते हैं, फिर आज की क्लास को हम यहां पे विराम देंगे। क्वेश्चन नंबर 3, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज 12.3 किलो पास्कल एट 300 केल्विन। फाइंड द वेपर प्रेशर ऑफ अ सोल्यूशन कंटेनिंग 1 molar नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, 1 molar नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। ट्राई करेंगे, ट्राई करें, पॉज करके ट्राई करें। तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, यानी पी नॉट ऑफ ए दे रखा है 12.3 किलो पास्कल, ठीक है, जो भी यूनिट है। पूछा क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन यानी पी ए पूछा है, कंटेनिंग 1 molar नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। 1 molar का मतलब 1 mole सॉल्यूट इन 1000 gram सॉल्वेंट। देखो मोलैलिटी आनी चाहिए, मोलैलिटी क्या होता था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोलैलिटी। पिछला लेक्चर आपने मोलैलिटी का देखा है कि नहीं, जिसमें सब डिस्कस किया, लेक्चर 1 में। नहीं देखा है तो यूट्यूब पे टाइप करें मोलैलिटी एंड मोलैलिटी फिजिक्स वाला, 11th क्लास का लेक्चर। मोलैलिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1000 gram सॉल्वेंट। तो यहां बोल रहा है 1 molar यानी 1 mole सॉल्यूट इन 1000 gram सॉल्वेंट। और भैया सॉल्वेंट कौन है, वॉटर। पीए निकालना है, पी नॉट ए पता है मुझको। तो चाहो तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर वाला फॉर्मूला यूज कर लो। पहले ये सब निकाल लो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ये सॉल्यूट अपना बी इज इक्वल्स टू 1, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कितना है 1, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा 1000 मास गिवन, नंबर ऑफ मोल्स मास गिवन अपॉन मोलर मास, व्हाट आर मोलर मास 18, 1000 by 18। यहां से मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकल सकता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन 1 प्लस 1000 by 18। अब यहां से आप चाहो तो फॉर्मूला लगा दो, क्या P नॉट A माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल्स टू जीटा बी। P नॉट A कितना है 12.3, माइनस पी ए नहीं पता, P नॉट A 12.3, जीटा बी ये रहा ऊपर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, कितना सॉल्यूट है 1 molar नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट यानी 1 mole सॉल्यूट इन 1000 gram सॉल्वेंट। तो ऊपर 1 mole सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन में, नीचे सॉल्यूट का मोल और सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कितना है 1000 gram और मोलर मास कितना है 18, तो 1000 by 18, तो 1 plus 1000 by 18। यहां से आप पीए की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। एक मेथड तो ये हो गया कि यहां से आप पीए, यहां से भी आंसर आना चाहिए,
ये तो पूछा है, फाइंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, तो पी ए पूछना था, पी नॉट ए दिया है, वन मोलर यानी एक मोल सॉल्यूट इन 1000 ग्राम सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट वन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट मास अपॉन मोलर मास, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ऊपर सॉल्यूट के मोल्स, नीचे टोटल मोल्स, यहां इसकी वैल्यू रखती है, यहां ये सब वैल्यू पी ए, यहां से कैलकुलेट कर लो। क्लियर है? क्लियर है? यहां से पी ए का जो आंसर आएगा वो अप्रोक्सीमेटली आना चाहिए 12.08 किलो पास्कल, लोअर हो जाएगा 12.3 से 12.08, एनसीईआरटी का सवाल था। दूसरा मेथड क्या है? चलो दूसरा मेथड देखो, वन मोलल नॉन वॉलेटल सॉल्यूट यानी वन मोल सॉल्यूट इन 1000 ग्राम सॉल्वेंट, सॉल्वेंट बोले तो वाटर। अब ये वाला फॉर्म लगा सकते हैं, पी ए इज इक्वल्स टू पी नॉट ए इंटू जीटा ए, खत्म। पी ए निकालना है, पी नॉट ए इज 12.3, जीटा ए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, ये रहा ए, ये रहा बी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए 1000 अपॉन 18 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए 1000 अपॉन 18 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पी, यहां से भी आप आंसर निकालोगे 12.08 किलो पास्कल। तो और सवाल आप खुद से प्रैक्टिस करें, हम इस लेक्चर को यहीं पे रोकेंगे। ये था वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, और साथ में आपने इसमें पढ़ लिया, क्या पढ़ लिया? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, एंड दिस इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ध्यान देना कि इस लेक्चर में हमने बात की है सिर्फ नॉन इलेक्ट्रोलाइट की, अभी सॉल्ट वॉल्ट की बात नहीं की, वो लास्ट में होगी। तो यहीं पे हम इस लेक्चर खत्म करते हैं, पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।